हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। आप सबों का इंडियन ब्लॉगर सविता चैनल में स्वागत है। आज मैं अरबी के पत्तों का सब्जी ग्रेवी वाला बनाई हूँ। ये थोड़ा हट करके मैं बनाई हूँ, तो चलते हैं इसे बनाते हैं। दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। इसे रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं इसे बनाते हैं। दिखा रहे हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। ये अरबी की पत्ती है, इसे धो करके मैं पतला पतला काट ली हूँ। बेसन है, इसे डाल देंगे इसमें। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मैं आमचूर के जगह पे आम का अचार को अच्छे से मिक्सी में पीस ली हूँ, इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसे अच्छे हाथ से मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अरबी के पत्ते को अच्छे से बेसन में मसल ली हूँ। इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि पत्ते धोई थी, पत्ते गीला था, उसी से हो गया। आज मैं इसे इडली स्टैंड में बनाऊँगी। एक कटोरी में पानी ले ली हूँ और हाथ में इसे पानी लगा लेंगे। लगा करके इसे छोटा छोटा गोल गोल बॉल की तरह बना लेंगे और इसे थोड़ा चपटा कर लेंगे। और इडली स्टैंड जितना बड़ा है उतना ही बनाएंगे। ऐसे ही बाकी के बना ले रही हूँ। सारे को मैं इडली स्टैंड में बॉल बना करके लगा दी हूँ। अब एक दूसरे पे से रख करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही पूरे स्टैंड को लगा दूंगी। रेडी हो गया। इडली स्टैंड में गैस पे पानी रख दी हूँ। देखिए ये बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर स्टैंड को डाल देंगे। डाल करके इसे ढक्कन लगा दे रही हूँ। ढक्कन लगा करके इसे 20 मिनट के लिए बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे खोल करके देख ले रही हूँ कि हुआ है कि नहीं। गर्म है, कपड़े से खोलेंगे इसे। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। इसे निकाल ली हूँ, एक एक करके निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए कितने अच्छे से ये बना है। सारे को निकाल दे रही हूँ और ठंडा कर ले रही हूँ। ये ठंडा हो गया है, अब इसे निकाल ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से निकल गया। ऐसे बाकी के सारे निकाल ले रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। एक में चार चार पीस कर ले रही हूँ। ऐसे ही सारे को काट ले रही हूँ। गैस ऑन करके तेल रख दी हूँ। अब इसमें ये पीस को डाल देंगे। इसे छान लेंगे अच्छे से। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल ले रही हूँ।
बाकी का ऐसे ही छान लेंगे। देखिए अच्छे से छान ली हूँ पूरा। इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग, ये प्याज का पेस्ट बनाई हूँ इसे डाल देंगे। इसे चला लेंगे। अभी हम इसके अंदर मसाले ऐड कर दे रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा, काली मिर्च का ये पाउडर है एक चम्मच इसे डालेंगे, आधा चम्मच देगी मिर्च है इसे डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का ये पेस्ट है इसे डाल देंगे। इसे तेल छोड़ने तक भुनेंगे। मसाले हो गया है, तेल छोड़ दिया है, इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डाल करके इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी है जो पेस्ट बनाई थी वही वाला, इसे डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़ा सा और पानी इसमें डालेंगे, जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। इसमें जो अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाई हूँ इसे डाल देंगे। इसे अच्छे से चला करके ढक देंगे। इसे ढक करके 4-5 मिनट पकाएंगे। सब्जी देख लेते हैं। सब्जी रेडी हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए सब्जी कितना टेस्टी बना है और देखने में भी कितना ये अच्छा लग रहा है। इसे रोटी, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट पक्का करिएगा और चैनल पे जो पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए।